सातिर बदमाश चोर ने बाइक की चोरी को दिया अंजाम। चोर का मामा करता है थाने में चापलूसी, जिस वजह से नहीं हुआ मामला दर्ज, पीड़ित ने आरोप लगाया है। पूरा मामला ललितपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र मोहल्ला आजादपुरा और थाना सोजना अंतर्गत गांव कुसमार से जुड़ा हुआ है, जहां पीड़ित युवक ने आरोप लगाते हुए ललितपुर एसपी से कार्रवाई की मांग करते हुए बताया है कि 1 अगस्त 2022 को आजादपुरा स्थित कंप्यूटर कोचिंग सेंटर पर पढ़ने के लिए गया हुआ था, तो समय करीब 11:30 बजे उसने बाहर आकर देखा तो उसकी मोटरसाइकिल नहीं मिली। सदर कोतवाली और पुलिस अधीक्षक के नाम प्रार्थना पत्र दिया और गाड़ी बरामद की मांग की। उसके बाद उसने 2 दिन बाद जब सीसीटीवी कैमरे में देखा और पता चला कि उसकी मोटरसाइकिल उसके साथ पढ़ने वाला सुजान नाम का युवक निवासी कुसमाड़ का चोरी करके ले जा रहा था, जिसकी उसने सदर कोतवाली पुलिस और पुलिस अधीक्षक के नाम शिकायती पत्र देकर चोरी करने वाला सातिर बदमाश चोर सुजान पर कार्रवाई की मांग की और गाड़ी बरामद की मांग की। और फिर उसके 2 दिन बाद नई बस्ती पुलिस चौकी से पीड़ित युवक के पास फोन आया, बताया गया कि उसकी गाड़ी बरामद कर ली गई है। तो पीड़ित युवक मोटरसाइकिल लेने थाना सोजना गया तो पुलिस ने उल्टा युवक पर रुपए की लेन देन को लेकर गाड़ी देने से साफ मना कर दिया। बाद जब पीड़ित युवक को पता चला कि चोरी करने वाले युवक का मामा, जिसका नाम लखन प्रजापति है, जो थाना सोजना में कपड़े धोने, बर्तन मांजने और खाना बनाने के साथ चापलूसी का काम करता है, और वह अपने भांजे का सपोर्ट कर रहा था, जिस कारण उसकी गाड़ी नहीं दी गई। पीड़ित युवक ने थाना सोजना में तैनात सभी कर्मियों के साथ चोरी करने वाले युवक पर कार्रवाई की मांग की है।